उज्ज्वला योजना 2 का शुभारंभ करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार की प्राथमिकता आदिवासी, गरीब और पिछड़ों के साथ सबका विकास करना है। मध्य प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। श्रीमती शबाना बेगम जी, उसके बाद श्रीमती सोनू बेन। जबलपुर नगर प्रवास के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह वेटनरी कॉलेज मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि पहले चरण में 9 करोड़ गरीब परिवारों को घरेलू गैस कनेक्शन निःशुल्क प्रदान किए गए थे, अब 1 करोड़ से ज्यादा परिवार दूसरे चरण में लाभान्वित होंगे। मध्य प्रदेश में करीब 5 लाख परिवारों को निःशुल्क घरेलू गैस कनेक्शन प्राप्त होंगे। मध्य प्रदेश की 5 लाख माताओं को, जिनके घर में आज से धुआं गायब होकर गैस से खाना पकाने की शुरुआत होने वाली है, सभी माताओं को प्रणाम करकर बहुत बहुत बधाई देना चाहिए। कांग्रेस ने आजादी के 70 साल तक गरीबों को काम करने का वादा किया, गरीबी उन्मूलन का वादा किया, मगर गरीबी वही की वही। योजना के नाम पर दिखावे के लिए कुछ धन मिल जाए, कभी कभार मिल जाए, बिचौलिए खा जाए, कुछ 50-100 लोगों को घर मिल जाए, इस प्रकार की व्यवस्था कर सालों तक गरीबों के साथ छल करने का काम एक कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों ने किया। जब नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने कहा कि मैं इस देश की सरकार, मेरी सरकार, उसकी प्रायोरिटी देश का गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा और महिला रहेगी, तब सबको लगता था जो भी प्रधानमंत्री बनता है यही कहता है। माताओं, भाइयों, बहनों, मगर 2014 से 2019 की पहली टर्म में मोदी जी ने जो कहा था वो कर दिखाया और उसको जमीन पर उतारने का काम किया। आयोजन में उपस्थित प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह ने कहा कि मोदी जी के राज में गरीबों के लिए 17 से ज्यादा योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनकी वजह से गरीब परिवारों को राहत मिल रही है। मोदी जी का संकल्प है एक दिन की मजदूरी में ही महीने भर का राशन आ जाए, ताकि 29 दिन की मजदूरी से बाकी चीजें खरीद पाए और गरीब की जिंदगी आनंद से भर पाए। रोटी के बाद जरूरत पड़ती मकान की, सबके पास मकान होना चाहिए कि नहीं? अरे होना चाहिए कि नहीं? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जिनने तय किया कि हर गरीब को भव्य भवन भले ना बने लेकिन छोटा पक्का मकान जरूर, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना। और मुझे कहते हो खुशी है, मध्य प्रदेश की धरती पर इस साल भी 8 लाख गरीब बहनों को, भाइयों को मकान बना के दिए जा रहे हैं, 8 लाख गरीबों को। पर मकान भी केवल मकान नहीं, मकान में शौचालय, मकान में बिजली, मकान में चौका भी, और चौके में निशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन भी। आयोजन प्रारंभ होने से पूर्व अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान ने स्वसहायता समूहों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और स्वसहायता समूहों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की।